गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ बिजनेस स्टडीज चैप्टर वन में कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और नेचर क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है हम कोई भी काम, कोई भी बिजनेस करते हैं जिसमें कि लेन देन इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इसमें मेन मोटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी में होता है कि अर्निंग प्रॉफिट, हम जहाँ से प्रॉफिट अर्न करते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आता है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। इसका मतलब होता है कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो क्या करता है, प्रोडक्शन करता है या प्रोक्योरमेंट करता है। प्रोक्योरमेंट क्या होता है, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है आप कहीं से किसी सामान को ला के कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करना है घर में रखने के लिए नहीं, आप कहीं से सामान को लाते हैं किस लिए, बेचने के लिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। तो होता क्या जनरली, या तो कोई प्रोड्यूसर होगा खुद से प्रोडक्शन करेगा और उसको बेचेगा, या फिर कहीं से खरीद के लाएगा फिर उसको बेचेगा। तो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। प्रोडक्शन का मतलब पता हो गया कि हम किसी चीज गुड्स को बनाते हैं, प्रोक्योरमेंट का मतलब कहीं से खरीद के लाते हैं और फिर हम लोग उस गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हैं। क्लियर है। हम लोग थर्ड पॉइंट में आते हैं, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सेल करते हैं और एक्सचेंज करते हैं किसी गुड्स को और सर्विसेज को फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। बिजनेस इन्वॉल्व्स सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। कहता है कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर हम किसी गुड्स को परचेज करते हैं तो वो क्या होता है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए किसी गुड्स को अगर हम परचेज करते हैं तो वो सेल और एक्सचेंज का पार्ट नहीं है। जैसे कोई किसान अगर प्रोडक्शन करता है, खेत में कल्टीवेट करता है क्या क्रॉप्स और उसको खाता भी है, तो वो सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स नहीं हुआ। अगर उसको बेचता है मार्केट में तो वहाँ पे सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ। अब लोग फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज इन अ रेगुलर बेसिस। बिजनेस का सबसे मेन पॉइंट ये है कि किसी भी बिजनेस को रेगुलर बेस पे करना। कोई भी अगर हम ये पेन खरीदते हैं, जैसे कि हम मार्केट गए और ये पेन खरीद के लाए, अगर मेरा कोई रिलेटिव या कोई पड़ोसी कहता है भैया ये पेन आपको दे दीजिए ना, आपको जो पैसा लेना है आप ले लीजिए, अगर हम 10 रुपये में लाए अगर उसको हम 10 रुपये में दे दिए तो ये क्या हुआ, या अगर हम 10 रुपये में लाए अगर हम उसको 11 रुपये में भी दे दिए तो ये क्या हुआ, बिजनेस नहीं हुआ, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पर नहीं हो रहा है। इस एक अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कुछ दिन पहले हम गए थे जगन्नाथपुरी, तो वहाँ पर क्या होता है, शंख जो होता है आप लोग शंख देखते हैं बहुत कम दाम पर मिलता है। तो अगर हम वहाँ गए, अक्सर हम ऐसे जगहों पर जाते रहते हैं, अगर हम वहाँ गए तो वहाँ से अगर हम 4-5 शंख ले आए और यहाँ पे अपने किसी पड़ोसी को बेच के दिए, उनको दिए, उनके बदले में उन्होंने कुछ पैसा दे दिया, तो ये तो रेगुलर एक्टिविटीज तो नहीं हो रहा है, तो ये बिजनेस नहीं हुआ, ये बिजनेस का करेक्टरिस्टिक्स और नेचर नहीं है। मगर अगर यही हम लोग रेगुलर बेसिस पे वहाँ से मंगा कर बेचते हैं तो क्या हुआ, बिजनेस हुआ। और डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज इन ए रेगुलर बेसिस हुआ, रेगुलर बेसिस हुआ तभी वो बिजनेस है, अगर रेगुलर बेसिस नहीं हुआ तो बिजनेस नहीं है। अनदर एग्जाम्पल है कि और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम टीवी खरीद के लाए और हम टीवी घर पे रखे और हम 2-3 महीने चलाए, 2-3 महीने के बाद हम उसको बेच दिए किसी को, भले ही उसमें प्रॉफिट ले रहे हैं, 6,000 की टीवी को ला करके हम उसको 2-2 महीने यूज़ करके अगर हम 6,500 या 7,000 में भी बेच दिए, 6,000 में भी बेच दिए, तो रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा, तो क्या होगा, बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगा और वो बिजनेस में नहीं है। अब हम लोग इसके फिफ्थ पॉइंट में चाहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस का, अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट क्या होता है, भले उसको 6 पॉइंट या 5 पॉइंट फिफ्थ पॉइंट में समझा रहा हूं लोगों को, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है बिजनेस, किसी भी बिजनेस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोगों को क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना।
अगर हम प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा और ग्रोथ नहीं कर पाएगा। कोई भी बिजनेस में अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमको प्रॉफिट अर्न करना है। तो ये प्रॉफिट अर्निंग प्रॉफिट जो है बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर प्रॉफिट नहीं अर्न नहीं होगा तो बिजनेस सर्वाइव कैसे करेगा? बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा तो फिर बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। ये फिफ्थ था, ये सिक्स्थ पॉइंट है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। जब आप बिजनेस स्टडी देखेंगे और आप जब बिजनेस पढ़ेंगे तो उसका पहला पॉइंट आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और लास्ट पॉइंट आता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। बिजनेस में रिस्क, जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट का चांस है, मगर कोई बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता है। मगर फिर भी बिजनेसमैन रिस्क नहीं चाहते हुए भी, नहीं चाहता है कि हम रिस्क लें, फिर भी उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। और रिस्क के अनसर्टेन है, सर्टेन और अनसर्टेन। सर्टेन का मतलब फिक्स है कि ये प्रॉब्लम होगा ही, अनसर्टेन का मतलब है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मगर जनरली क्या होता है बिजनेस में, बिजनेसमैन जो होते हैं कॉन्सेप्ट उनका रहता है कि बिजनेस हम कर रहे हैं तो उसमें रिस्क है। रिस्क तो है ही, वो रिस्क जो है वो भी अनसर्टेन है। रिस्क का मतलब खतरा है, खतरा भी ऐसा कि कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे आप दुकान चला रहे हैं, दुकान में आग लग गया, दुकान चला रहे हैं, कस्टमर आपका पैसा लेके भाग गया, दुकान चला रहे हैं। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, टाइम पर वो मटेरियल नहीं मिल पाया तो प्रोडक्शन नहीं होगा। तो एक एक सेकेंड, एक एक मिनट में अगर प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पर है, अगर आप कभी किसी प्रोडक्शन यूनिट को जाके देखते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे एक एक सेकेंड और एक एक मिनट के, अगर उसके टाइम ऑफ स्पैन में अगर एक एक मिनट और एक एक सेकेंड भी अगर बिजनेस का जो प्रोडक्शन है वो रुक जाता है तो वहाँ पर करोड़ में लॉस होते हैं, मिलियंस और बिलियंस में लॉस होते हैं। तो बिजनेस क्या है, 100% इस चीज़ को हर बिजनेसमैन क्लियर कॉन्सेप्ट रखते हैं कि बिजनेस क्या है, अनसर्टेन है। रिस्क तो है ही साथ में अनसर्टेन भी है। अब हम लोग देखेंगे कि बिजनेस के नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। जनरली बिजनेस का तीन ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा ऑब्जेक्टिव ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसमें हम लोग सभी लोग जानते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में ए बिजनेस, कोई भी बिजनेस, कोई भी फर्म रन क्यों होता है, क्यों चलाते हैं, मेन मोटिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट कैसे होगा, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है हम लोग दो बार डिस्कस कर चुके हैं तो इस पॉइंट में हम लोग ज़्यादा नहीं जाते। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसा है कि हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, इस बोर्ड का एग्जांपल लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, ये बोर्ड जो है मार्केट से, आप भागलपुर में अगर ये बोर्ड खरीदते हैं या किसी भी मार्केट में अगर आप ये बोर्ड खरीदते हैं तो ये बोर्ड जो है प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है। सपोज करिए गुजरात में इसका प्रोडक्शन हो रहा है तो इसका प्रोडक्शन गुजरात में, गुजरात की कंपनी इसको 700 रुपये में बेचती है, सेल्स करती है, ठीक है। और ये भागलपुर आते आते इसका दाम, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, डीलर, होलसेलर, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ करते करते इसका कॉस्ट अब 1000 हो जाता है, ठीक है। अब मगर आपको ये बोर्ड मिलता है 1250 रुपये में, तो इसमें क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी लग रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है। आपको ये मिलता है कितना है, 1250 रुपये में, 250 रुपये यहाँ का दुकानदार भी कमाता है। तो
अभी आप ये एग्जांपल देने का मतलब ये था कि आपको इसमें पता चले कि इस इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रहा है, प्रोडक्शन तो यहाँ नहीं हो रहा है, प्रोक्योरमेंट हो रहा है, मगर फिर भी यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा तो कोई भी बिजनेस सबसे पहले तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? अगर अगर कोई बिजनेसमैन 1 लाख रुपये पूंजी लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, 1 महीने के बाद अगर 1 लाख रुपये लगा के 1 महीना मेहनत करके अगर वो 20,000 रुपये, अगर 10,000 रुपये भी नहीं कमाए तो बिजनेस क्यों करेगा? अगर वो 20,000 कमाता है तो फिर वो क्या करेगा? 10,000 अपने खर्च के लिए रखेगा, फिर जो 10,000 जो बचता है फिर उसको उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 चीज और आता है। सबसे पहला आता है प्रॉफिट, प्रॉफिट ये जो 10-20,000 प्रॉफिट हुआ। दूसरा सर्वाइवल, अब जो 20,000 कमाए उससे हम सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइव करना दैट मीन्स की बिजनेसमैन खुद भी पैसा रख रहा है और कुछ पैसा 10,000 रुपये खुद रख लिया। इसके लिए सर्वाइवल के लिए, क्योंकि वो 1 महीने से काम कर रहा है। अब जो बचा 10,000 है, अब जो बचा 10,000 था 20,000 में से, उस 10,000 में ग्रोथ मतलब जो बिजनेस में 1 लाख था अब उसमें 10,000 फिर से लगा दिया। तो ये क्या हो गया? बिजनेस प्रॉफिट सर्वाइव एंड ग्रोथ, इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये होता है। हम लोग दूसरा देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, पैसा तो कमा लिए। एक अभी तुम छोटा सा एग्जाम्पल 1 लाख का दिए थे, 20 लाख कमाते हैं तो 1 लाख कमाए, 1 लाख लगाए थे 20,000 कमाए, 20% 20 लाख लगाए थे 4 लाख कमाएंगे उसके हिसाब से है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? पैसा कमाने के बाद जब एक खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन होने लगता है लोगों को, तो फिर क्या करते हैं कि हम सोसाइटी के लिए, जिस सोसाइटी से हम पैसा अर्न कर रहे हैं, मनी अर्न कर रहे हैं, उस सोसाइटी को हम कुछ देना भी चाहते हैं। तो हम देंगे क्या? तो जैसे कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, आप नाम सुने होंगे, बहुत सारे ऑर्फेनेज चलते हैं और जैसे कि अनाथालय भी चलते हैं। तो बहुत सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, वहाँ पर कुछ कभी कभी महीने में सप्ताह में खाना खिलवा देते हैं, या सड़क के किनारे पेड़ जो लगता है वो भी सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है, या फिर किसी स्कूल्स में, जैसे स्कूल कोई प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है तो वहाँ पर ब्लैक बोर्ड भी डोनेट कर दिए, या बच्चों के लिए बुक्स डोनेट कर दिए। तो ये क्या हुआ? सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव तभी पूरा होगा जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्रॉफिट होगा, ग्रोथ हो, सर्वाइव होगा, ग्रोथ होगा, सब कुछ एक दूसरे से लिंक करता है। अब हम आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव पता चल गया, अब होता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिजनेसमैन का एग्जांपल दिए तो बिजनेसमैन तो बिजनेस चला रहा था तो 20,000 कमाया, तो उसका तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, मेरे फैमिली को बेनिफिट हो, मेरे फैमिली अच्छे से रह सके। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम अपना एग्जांपल लेते हैं, आज हम माउंट जेवियर्स स्कूल में टीचर हैं, फैकल्टी हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे हमको सैलरी मिल रहा है। तो मेरा काम क्या है? हम चाहेंगे कि स्कूल अच्छे से ग्रोथ करे, स्कूल का अच्छे से नाम हो। अच्छा नाम कैसे होगा? जब तक हम बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे नहीं, बच्चों के डाउट्स को क्लियर करेंगे नहीं, बच्चों का अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। बच्चों का अच्छा रिजल्ट, मेरा भी सैलरी तो मिल रहा है हमको, मगर मेरा भी ऑब्जेक्टिव कहीं छिपा हुआ है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, कि स्कूल ग्रोथ हो। स्कूल ग्रो होगा मेरी सैलरी बढ़ेगी। तो बिजनेस के एक एक जो पहलू, एक एक स्टेप हम लोग देख रहे हैं, सब कुछ एक दूसरे से रिलेट करता रहता है। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, फिर भी एक एग्जांपल और देते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो काम क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के बाद क्या होता है? जैसे अगर कोई हर, आप लोगों ने सुना होगा, इंक्रीमेंट होता है हर साल, पैसा बढ़ता है, सैलरी मिलती है, डीए मिलता है, बोनस मिलता है। तो डीए बोनस इंक्रीमेंट कब होगा? जब कोई भी एम्प्लॉय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम करेगा, बिजनेस उसका सर्वाइव करेगा। बिजनेस सर्वाइव अच्छे से कब करेगा? जब कोई एम्प्लॉय वहाँ पर अच्छे से काम करेगा। आप लोगों ने रतन टाटा को का नाम सुना होगा, रतन टाटा को जानते हैं। रतन टाटा का कहना है, जिनका कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी है, उनका कहना है कि अगर मेरा एम्प्लॉय खुश रहा, अगर मेरा एम्प्लॉय का सेल्फ सेटिस्फेक्शन पूरा होता है तो मेरी बिजनेस आसानी से ग्रोथ करेगी। तो जब तक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव किसी भी एम्प्लॉय का, किसी भी बिजनेसमैन का, और किसी भी जो भी बिजनेस से रिलेट करते हैं, जो जुड़े होते हैं, अगर उनका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा तो बिजनेस अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों ने अभी 2 टॉपिक को क्लियर किया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। दैट्स ऑल, थैंक यू। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।